प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले स्वामीनाथन पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने साल 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। प्रोफेसर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नवंबर साल 2004 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बना। दो सालों में इस कमेटी ने 6 रिपोर्ट तैयार की। कमेटी ने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस समय केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। पांचवी रिपोर्ट में किसानों के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनाए जाने की सिफारिश की गई थी। इसके तहत किसानों की लगभग सभी समस्याओं को रेखांकित करते हुए उनके समाधान सुझाए गए थे। इनमें भूमि संसाधनों की व्यवस्था करने, भूमि सुधार पर ध्यान देने, विशेष उपजाऊ भूमि को केवल कृषि के लिए संरक्षित करने, भूमिहीन श्रमिक किसानों को कम से कम 1 एकड़ प्रति परिवार भूमि देने, पानी का समान वितरण करने और फसल की न्यूनतम समर्थन कीमत यानी MSP 50% अधिक करने की बात कही गई थी। यही नहीं, इसमें सामाजिक सुरक्षा के तहत किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए इलाज की व्यवस्था, जीवन बीमा और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएं भी शामिल थी। रिपोर्ट में किसानों को सस्ते और अच्छी गुणवत्ता के बीज मुहैया कराने, महिला किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने, कृषि जोखिम फंड बनाने, हर फसल के लिए फसल बीमा की सुविधा देने, कर्ज पर ब्याज दर घटाकर इसे 4% करने, प्राकृतिक आपदा के समय ब्याज में राहत और किसानों के लिए ज्ञान चौपाल बनाने जैसी कई और सिफारिशें भी की थी। वहीं युवाओं को कृषि क्षेत्र में लाने के लिए इसे आर्थिक रूप से लाभप्रद और बौद्धिक रूप से प्रेरणादायक बनाए जाने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में किसानों को श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया था। इसके तहत बताया गया कि जनजातीय या आदिवासी किसान सर्वाधिक नुकसान की स्थिति में है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इन समुदायों को कानूनी अधिकार देने के लिए कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किए गए हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि बड़ी विकास परियोजनाओं के नाम पर वन क्षेत्रों का अतिक्रमण किया गया और ये परियोजनाएं इन समुदायों के विस्थापन का कारण है। आमतौर पर ये सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं, हालांकि सरकारों का यही कहना है कि उन्होंने इसे लागू कर दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि इसे अच्छे तरीके से क्रियान्वित नहीं किया गया, इसीलिए जगह जगह पर किसान आंदोलन हो रहे हैं। फसल उत्पादन मूल्य से 50% ज्यादा दाम किसानों को मिले, किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज कम दामों में मुहैया कराया जाए, गाँव में किसानों की मदद के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाया जाए, महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाए, किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किसानों को मदद मिल सके, सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रही जमीन के टुकड़ों का वितरण किया जाए, खेतिहर जमीन और वन भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कॉरपोरेट को न दिया जाए, फसल बीमा की सुविधा पूरे देश में हर फसल के लिए मिले, खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था हर गरीब और जरूरतमंद तक पहुँचे, सरकार की मदद से किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज दर कम करके 4% किया जाए, कर्ज की वसूली में राहत, प्राकृतिक आपदा या संकट से जूझ रहे इलाकों में ब्याज से राहत, हालात सामान्य होने तक जारी रहे, लगातार प्राकृतिक आपदाओं की सूरत में किसान को मदद पहुंचाने के लिए एक एग्रीकल्चर रिस्क फंड का गठन किया जाए।